हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल लव बाय चांस के एपिसोड 14 यानी कि लास्ट एपिसोड का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। पीत ए से पूछता है कि क्या ए के घर उसका कोई फ्रेंड रात भर रुका है। ए कहता है कि उसका घर उसके फ्रेंड्स के घर से काफ़ी दूर है, इसलिए कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। पीत स्माइल करके कहता है कि वो खुश है क्योंकि वो पहला है जो यहाँ पे सो रहा है। ए कहता है कि वो बहुत लकी है कि पीत उसका है। दोनों हग करके सो जाते हैं। टिन कैन को अपनी सेल्फी भेजता है और कहता है कि वो उससे कल मिलेगा। कैन स्माइल करता है। अगले दिन कैन टिन के साथ उसके घर मूवी देखने आता है। तुल का बेटा फू आकर टिन को हग करता है। कैन फू के सामने तुल की बुराई करने लगता है तो फू रोने लगता है। कैन टिन को कहता है कि वो सच ही तो कह रहा है। टिन कहता है कि उसे तकलीफ ना तो फू ने पहुंचाई है और ना ही उसकी माँ ने, तो वो उसे कुछ ना कहे। टिन कहता है कि भले ही वो तुल को हेट करता है पर वो फू और उसकी माँ को कभी भी हर्ट नहीं करेगा क्योंकि इस घर में सिर्फ वही दोनों हैं जो टिन को सच में फैमिली मानते हैं। कैन फू से माफ़ी मांगता है। टिन कहता है कि फू से ज़्यादा बचपना तो कैन में है। कैन और टिन मूवी देखने आते हैं। कैन स्नैक्स खाने वाला होता है पर टिन उसे रोक कर कहता है कि उसे खाने से पहले पे करना होगा उसे किस करके। कैन पहले तो मना करता है फिर वो अपना फेस आगे करता है। टिन उसे उसका मुंह खोलने को कहता है। कैन कह रहा होता है कि वो मुंह नहीं खोलेगा, तभी टिन उसे किस करने लगता है। टिन उसे पूछता है कि उसे कैसा लगा। कैन कहता है कि उसे अच्छा लगा, तो क्या वो फिर से उसे किस कर सकता है। टिन उसे फिर से किस करने लगता है और इस बार कैन भी उसे किस करने लगता है। तम आकर तार को कल के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने जो किया वो गलत था। तार कहता है कि वो सब भूल चुका है तो तम भी भूल जाए। तम तार को बाहर घूमने चलने को कहता है। तार मना कर देता है और रूम बंद कर लेता है। तम उसे बाहर से ही माफ़ी मांगने लगता है। टेक्नो और टाइप ड्रिंक करने जाते हैं। टेक्नो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है तो टाइप उसे उसके घर लेकर आ जाता है। टेक्नो दरवाजे के सामने ही सोने लगता है। टाइप को थान का कॉल आ जाता है तो वो चला जाता है। टेक्नो उठकर गलती से टेक्निक के कमरे में आ जाता है जहाँ पे टेक्निक की जगह कैंकला सो रहा होता है। टेक्नो कैंकला को देखकर कहता है कि वो आज यहीं सोने वाला है। कैंकला स्माइल करके कहता है कि वो इतना प्यारा लग रहा है तो उसे रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। कैंकला टेक्नो को किस करने लगता है। टेक्नो ड्रंक होता है तो वो भी उसे किस करने लगता है। अगली सुबह टेक्नो जब उठता है तो वो खुद को और कैंकला को इस हालत में देख कर चौंक जाता है। कैंकला कहता है कि वो चौंक क्यों रहा है जबकि टेक्नो ने ही उसका एडवांटेज लिया है। टेक्नो ये सुनकर चौंक जाता है। कैंकला मासूम चेहरा बनाकर कहने लगता है कि अगर टेक्नो उसे देख कर निराश हुआ है तो वो उसे बता दे, वो उससे कभी नहीं मिलेगा। टेक्नो कैंकला का उदास चेहरा देख कर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। कैंकला कहता है कि उनके बीच जो भी हुआ उसके बाद टेक्नो उसे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। टेक्नो कहता है कि क्या वो सब भूल नहीं सकता। कैंकला कहता है कि अब वो वापस से गर्ल्स को लाइक नहीं कर सकता क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था और वो भी किसी मैन के साथ, और उसे नहीं पता था कि उसे इतना अच्छा फील होगा। कैंकला कहता है कि उसे अभी तक रात की एक एक बात याद है। कैंकला टेक्नो का हाथ पकड़कर कहता है कि उसे पता है कि टेक्नो बहुत जिम्मेदार इंसान है, इसीलिए वो कैंकला को कभी भी अकेले नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो उसका फैन यानी बॉयफ्रेंड बन जाए। टेक्नो चौंक जाता है। कैंकला कहता है कि वो बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बनकर रहेगा तो वो उसे डेट करने के लिए मान जाए। ए अगले दिन ट्रिप पर जाने वाला होता है तो ए और पीत आपस में 10 बजे तक बात करते हैं। तम तार के रूम में आता है तो वहाँ पे तार नहीं होता है बल्कि तार का लगेज पैक होता है। तभी वहाँ पे तार आ जाता है। तम कहता है कि उसकी माँ ने उसे बताया है कि तार वीकेंड पर वापस फ्रांस जा रहा है। तम पूछता है कि वो तो पूरी छुट्टी यहीं बिताने वाला था तो अचानक से उसने जाने का फैसला क्यों कर लिया और वो भी उसे बिना बताए। तार कहता है कि उसे पता था कि तम ऐसे ही रिएक्ट करेगा, इसीलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया। तार तम को उसके रूम से जाने को कहता है। तम मना कर देता है तो तार जाने लगता है। तम तार को हग करके कहता है कि वो उससे प्यार करता है पर फैमिली की तरह नहीं। तार कहता है कि वो उसका स्टेप ब्रदर है। तम कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तार कहता है कि वो उसके जैसे इंसान को प्यार ना करे। तार कहता है कि वो किसी के भी लायक नहीं है। तार तम को जाने को कहता है। तम कहता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। तार तम को बता देता है कि उसका गैंग रेप हुआ है और वो भी मैन के द्वारा, इसीलिए उसके जैसा लड़का किसी के भी लायक नहीं है। तम ये सुनकर चौंक जाता है। दोनों रोने लगते हैं। तम पूछता है कि ये सब कब हुआ। तार
तार बताता है कि ये सब 4 साल पहले हुआ। तम पूछता है कि क्या इसमें थान की गलती थी? तार कहता है कि इसमें किसी की भी गलती नहीं थी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो स्टूपिड है। तम उसे हक करके चुप होने को कहता है। तार कहता है कि उसे फिलोफोबिया है, यानी कि उसे प्यार से डर लगता है, उसे मैन और सेक्स से भी डर लगता है। तार कहता है कि वो उस जैसे लड़के से दूर रहे। तम कहता है कि भले ही सच कुछ भी हो, पर वो तार को हमेशा ही प्यार करता रहेगा। थोड़ी देर बाद तार तम को कहता है कि जब उसे अब सच पता चल गया है, तो अब वो उससे दूर रहे, क्योंकि वो तम को प्यार नहीं कर सकता। तम कहता है कि वो तार से उसका प्यार नहीं मांग रहा है, वो बस ये चाहता है कि तार उसे उससे प्यार करने दे। तम कहता है कि तार बस उसे खुद से दूर ना करे। तार कहता है कि उसे अब सब पता है, तो ये सब ना करे। तम कहता है कि वो तार का प्यार नहीं मांग रहा है, वो बस तार का ध्यान रखना चाहता है। तार कहता है कि तम बहुत स्टूपिड है जो वो ऐसा कह रहा है। तम कहता है कि वो पूरी लाइफ तार का ध्यान रखने के लिए स्टूपिड बन सकता है। तम तार को आई लव यू कहता है, तो तार उसे हग करके थैंक्स कहता है। ए अपने फ्रेंड्स के साथ बीच ट्रिप पर आ जाता है। सब लोग पहले फुटबॉल खेलते हैं, फिर बीच में पानी से खेलते हैं। पीत और तिन अपार्टमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ले दोनों को साथ देखकर छुपकर उनकी पिक्चर क्लिक कर लेती है। तिन ले को देखकर कहता है कि उसके पास ले की माँ के लिए गिफ्ट है। ले घर आकर कैन से पूछती है कि क्या तिन और पीत डेट कर रहे हैं। कैन ये सुनकर चौंक जाता है। ले कहती है कि उसने दोनों को साथ में प्यार से बातें करते देखा है, और उसने ये भी सुना है कि दोनों सेम अपार्टमेंट में रहने वाले हैं। ले कैन को उनकी पिक्चर्स दिखाती है। ले बताती है कि तिन ने उसकी माँ के लिए गिफ्ट भी दिया है। वो तो लेने से मना कर रही थी, पर पीत ने उसे लेने के लिए कन्विंस कर दिया। ले कहती है कि वो दोनों एक दूसरे की ऐसे हेल्प कर रहे हैं जैसे वो दोनों डेट कर रहे हों। कैन गुस्सा होकर ले को गिफ्ट रिटर्न करने को कहता है। ले कहती है कि तिन ने उसे बड़े प्यार से गिफ्ट दिया है, तो वो रिटर्न कैसे कर सकती है। ले कहती है कि कैन का मोबाइल भी तो उसे गिफ्ट में मिला है। कैन कहता है कि वो इसके लिए मंथली पे करने वाला है। ले कहती है कि ये पैसे है तो तिन के ही ना। ले कहती है कि वो इस बात को छोड़कर इस बात का पता लगाए कि तिन और पीत डेट कर रहे हैं या नहीं। कैन इरिटेट होकर ले को भेज देता है और सोचने लगता है कि तिन ने पीत के साथ आखिर किया क्या है। कैन गुस्सा हो जाता है और तिन को कॉल करता है। कैन पूछता है कि पीत ए का फैन यानी बॉयफ्रेंड है, तो वो उसके बीच में क्यों आ रहा है। कैन कहता है कि तिन ने कहा था कि वो उससे प्यार करता है, तो वो पीत के साथ क्यों फ्लर्ट कर रहा है। कैन पूछता है कि कहीं उसने पीत को भी तो किस नहीं किया है। कैन कहता है कि वो ऐसा ना करे, वो पीत को ऐसे ना छीने। कैन पूछता है कि वो चुप क्यों है। तिन स्माइल करके कहता है कि कहीं वो जेलस तो नहीं हो रहा है। कैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तिन पूछता है कि वो क्यों नहीं चाहता कि तिन पीत के साथ रहे। कैन कहता है कि वो दो लोग के साथ एक साथ कैसे फ्लर्ट कर सकता है। तिन कहता है कि इसे ही तो जेलसी कहते हैं जो वो कर रहा है। कैन कॉल कट कर देता है। तिन स्माइल करने लगता है। ले उधर से पूछती है कि उसने तिन और पीत की पिक्चर्स क्यों डिलीट कर दी। कैन कहता है कि उससे गलती से हो गई होंगी। कैन अपने मन में कहता है कि अगर ये जेलसी है तो वो जेलसी हो रहा है, पर वो अब इसके बारे में नहीं सोचेगा। ए साइट में आकर पीत को मैसेज करता है। तभी पॉन्ड आकर कहता है कि वो क्या पीत को इतना मिस कर रहा है जो वो साइट में आकर अपने फ्रेंड्स को छोड़कर पीत को मैसेज कर रहा है। पॉन्ड कहता है कि उसने इसीलिए कहा था कि वो पीत को भी साथ लेकर आए। ए कहता है कि वो सच में पीत को मिस कर रहा है। ए चला जाता है। पॉन्ड ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि ए ने पहली बार एडमिट किया है कि वो पीत को मिस कर रहा है। अगले दिन ए पीत को सनराइज की पिक्चर सेंड करता है और मैसेज करता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। पीत भी मैसेज करता है कि वो उसे मिस कर रहा है, तो अगली बार वो उसे साथ में लेकर जाए। कैन आकर पीत से पूछता है कि उसका और तिन का क्या रिश्ता है। पीत कहता है कि वो दोनों दोस्त हैं। कैन कहता है कि ले ने कहा है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पीत कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने ले को ऐसा सिर्फ इसलिए कहा था ताकि वो गिफ्ट्स ले ले। कैन कहता है कि उसे तो लगा था कि तिन फिर से ए और पीत के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, और ये भी लगा था कि वो दो लोगों को साथ में डेट करने की कोशिश कर रहा है। पीत पूछता है कि क्या वो जेलस हो रहा है। कैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। कैन बहाना बनाकर चला जाता है। टाइप कैन को सोच में डूबा देख पूछता है कि उसे क्या हुआ है। कैन कहता है कि वो बस थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। टाइप कहता है कि शायद कैन को प्यार हो रहा है। कैन कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। कैन कहता है कि वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता है और वो सिंगल ही खुश है। कैन कहता है कि टाइप उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्या वो उससे प्यार नहीं करता। टाइप कहता है कि उसने तो कभी भी किसी जूनियर को नहीं कहा कि वो उससे प्यार करता है। कैन कहता है कि टाइप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टाइप
तिन को आता देख कैन से कहता है कि अगर वो किसी के मुंह से आई लव यू सुनना चाहता है तो वो जाकर अपने आदमी से कहे। कैन कहता है कि तिन उसका नहीं है। टाइप कहता है कि वो तो बस उसे तंग कर रहा था तो वो सीरियस ना हो। टाइप कहता है कि कैन तो तिन को बहुत हेट करता था, फिर आजकल वो उसके साथ इतना क्यों घूमता है। टाइप कहता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है, तो अगर वो नहीं बताना चाहता तो नहीं बताए। ये कहकर वो चला जाता है। तिन आकर कैन से पूछता है कि वो उससे छुप क्यों रहा है। कैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तिन कहता है कि वो खुश है कि कैन सोच सकता है। कैन पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। तिन कहता है कि वो उसके बारे में सोच रहा है। तिन कैन को अपने साथ ले जाने लगता है। कैन कहता है कि वो खुद ही आ जाएगा तो तिन उसका हाथ छोड़ दे। तिन कैन को उसकी कार में बैठने को कहता है, पर कैन कहता है कि उसे घर जल्दी जाना है, इसीलिए उसे जो भी कहना है वो यहीं पर कहे। तिन पूछता है कि क्या वो उससे डर रहा है। कैन कहता है कि ऐसा नहीं है। तिन कैन को उसका फैन यानी बॉयफ्रेंड बनने को कहता है। कैन पूछता है कि वो क्या बकवास कर रहा है। तिन कहता है कि वो कैन को लाइक करता है, तो आज नहीं तो कल वो उससे ये सवाल पूछेगा ही। कैन कहता है कि वो इस बारे में छोड़कर कुछ और बात करे। तो तिन कहता है कि क्या वो उसे डेट करेगा। कैन कहता है कि उसने उसे टॉपिक चेंज करने को कहा था, ना कि क्वेश्चन। तिन पूछता है कि वो जवाब देना क्यों नहीं चाहता है। कैन कहता है कि टाइप ने कहा है कि कैन को प्यार हो रहा है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या वो सच में तिन के कारण जेलिस था। कैन कहता है कि उसे नहीं पता है कि वो हर वक्त तिन को अटेंशन दे सकता है या नहीं, और उसे तो ये भी नहीं पता है कि प्यार होता क्या है, तो वो ये कैसे कह सकता है कि वो तिन से प्यार करता भी है या नहीं। कैन पूछता है कि वो उसे लाइक क्यों करता है। तिन कहता है कि जब वो कैन के साथ होता है तो वो कंफर्टेबल फील करता है और चैन की सांस ले पाता है। कैन कहता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी कंफर्टेबल फील करता है, और वो कोई ऑक्सीजन थोड़ी ना है जो किसी की सांस लेने में हेल्प करे। तिन कहता है कि उसे बस इतना पता है कि वो कैन को लाइक करता है। कैन कहता है कि उसे ये नहीं पसंद है कि वो किसी के लिए जेलस हो या किसी के बारे में दिन रात सोचकर परेशान होता रहे, इसीलिए वो चाहता है कि तिन सिर्फ उसका दोस्त बनकर रहे। कैन कहता है कि वो दोस्त बनकर उससे मिल सकता है, उससे बातें कर सकता है, उसके साथ घूम सकता है। तिन कैन का हाथ हटाकर कहता है कि वो कैन का सिर्फ फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता है। तिन जाने लगता है। कैन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो तिन का फ्रेंड बनना चाहता है। तिन कहता है कि वो कैन का सिर्फ फ्रेंड बनकर नहीं रहेगा। तिन ये कहकर चला जाता है। कैन रोने लगता है। तिन शावर लेते वक्त रोने लगता है और कहता है कि हर बार उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब भी वो कुछ चाहे उसे मिलता ही नहीं है। तिन बुरी तरह रोने लगता है। तम तार को एयरपोर्ट छोड़ने आता है। तम कहता है कि वो अपना फ्रांस में अच्छे से ध्यान रखे। तार तम को बाय बोलकर चला जाता है। तम साइड में जाकर उदास हो जाता है। तभी पीछे से तार आ जाता है तो तम उसे हक करता है। ए अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। ए के फ्रेंड्स फायर क्रैकर जलाने जाते हैं तो ए पीत को वीडियो कॉल करता है। अब सीन ऐसे दिखाया जाता है कि ए और पीत साथ में बैठे हैं। ए पीत को कहता है कि उसका चेहरा देखकर वो उसे और भी ज्यादा मिस कर रहा है। ए कहता है कि अच्छा है कि पीत यहाँ नहीं है, वरना वो उसे हग करने से रोक नहीं पाता खुद को। ए पीत को बताता है कि थोड़ी देर पहले जब सब लव सॉन्ग्स गा रहे थे तो वो पीत को बहुत मिस कर रहा था। पीत उसे उसके लिए गाना गाने को कहता है। ए पहले तो मना करने लगता है, पर पीत के कहने पर वो गाना गाने लगता है। पीत कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ए कहता है कि उसे ये बात पहले से पता है। ए कहता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। ए कॉल कट कर देता है। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं और यहीं पे ये एपिसोड और ये ड्रामा खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।